हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बाथरूम में पाइप फिटिंग कैसे करी जाती है और हमने कैसी करनी चाहिए। और इसमें हमने जो लाइन वाटर टैंक के लिए हमने खड़ी करनी है लाइन, तो उसको भी हमें किस तरीके से लाइन फिटिंग करनी चाहिए। और ये हमारी तीनों लाइन आगे को भी जानी है और तीन लाइन हमने ऊपर भी ले जानी है। तो वीडियो में आप बने रहें। और लाइन हम क्रॉस करने वाले हैं और हमने लाइन किस तरीके से क्रॉस करनी चाहिए, तो ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और हमने इसमें क्रॉस करने का सही तरीका क्या है और हमने क्रॉस किस तरीके से लाइन करनी चाहिए, तो हम आपको ये वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगा आपको तो वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हमने क्रॉस करनी है लाइन। तो हमने तीन लाइन आगे ले जानी है और तीन लाइन हमने ऊपर ले जानी है और तीन लाइन हमारी दोनों सेटों में आनी है, तीन तीन लाइन है। तो बीच में से हमने लाइन खड़ी करी है, तो बीच में से लाइन जो हमने खड़ी करी है तो हमने लाइन क्रॉस होनी है। तो हमने क्रॉस लाइन का क्रॉस किस तरीके से बचाना होता है, बहुत से मेरे दोस्तों भाई जो करते हैं तो पाइप के ऊपर पाइप रख देते हैं कि इस तरीके से क्रॉस बचाते हैं, वो ईंट को गहरा करके क्रॉस बचा देते हैं। तो हमने वैसे क्रॉस नहीं बचाना होता है, तो हमने ये क्रॉस बैंड डाल दिए हैं क्योंकि इसमें कितनी भी लाइन क्रॉस हो तो हम आसानी से लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो वही हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें किस तरीके से लाइन क्रॉस करी है, यानी लाइन का क्रॉस बचाया है और हमने तीनों लाइनें तीनों सेटों को हम तीनों लाइनें ले गए हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हमने जो क्रॉस करेंगे हम लाइन, तो हमें एक लाइन क्रॉस कैसे करनी चाहिए। तो बहुत से मेरे भाई होते हैं कि पाइप के ऊपर पाइप रख कर लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो उसमें हमने ये होता है कि पाइप के ऊपर पाइप रख कर हमने क्रॉस लाइन नहीं करनी है। तो हमने किस तरीके से लाइन क्रॉस करनी होती है, तो उसमें हम हुक मार देते हैं तो हमारी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है, तो उससे हमारे लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हमने क्रॉस बैंड लगाने हैं और अभी इसमें हमने और भी क्रॉस बैंड लगाने हैं। तो हम किस तरीके से लाइन क्रॉस करेंगे और हमें करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगा आपको तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो में बने रहें। Thank you.
बड़े जी एक बात पूछो, बुरा ना मानो, आवड़े पूछो दे दो यार मुझे, यार भाई इनका नंबर ले लिया तो, एक मिनट तुम दूसरी वाली ले लो, शाम को कस्टम करूंगा टेंशन ना, पता नहीं पता क्यों हो रहा है ना तेरे पर। ठंडी रखवा जाएंगे।